स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइट। आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फीयर का मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम से हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उन इमेजेस को जो कब बनती हैं, किससे बनती हैं, स्फीयरिकल मिरर से। तो लेट अस स्टार्ट। वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फीयर का मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम। हम स्टडी कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज किससे, स्फीयरिकल मिरर से, बाय ड्रा करके रे डायग्राम। एक एक्सटेंडेड आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, थोड़ा फैलो हुआ बड़ा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फाइनाइट साइज़ का होना चाहिए। उसे आप प्लेस कर दीजिए किसके फ्रंट में, स्फीयरिकल मिरर के फ्रंट में से रख दीजिए। और जो हर एक स्मॉल पोर्शन है इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे वो प्रोड्यूस होंगी इन पॉइंट से। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए रे डायग्राम और लोकेट करने के लिए इमेज किसकी, ऑब्जेक्ट की, लार्ज नंबर ऑफ रे जो है वो प्रोड्यूस होंगी पॉइंट से, उन्हें हमने क्या करना है, कंसीडर करके रखना है। और अच्छा कन्वीनियंट यही रहेगा कि आप सिर्फ दो रेज को ही उसमें कंसीडर कीजिए, ताकि आपको क्लियरिटी आए किसकी, रे डायग्राम की। और ये रे आपने इस तरह से चूज़ करनी है कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है मिरर से। जब रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये आपको उस डायग्राम में पता चलना चाहिए। तो इंटरसेक्शन जो है दो रिफ्लेक्टर रेज की, वो आपको पोजिशन बताएगी किसकी, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो आपको दो रे ही लेने कंसीडर करनी है इमेज को लोकेट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है, एक रे ले लीजिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपकी, इसके आपने पैरेलल एक रे ली है। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास हुई है, फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस में से पास हुई है कनकेव मिरर के केस में। और यहाँ पर देखिए जब हमने ये ली तो ये बैक चली गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद। इसी को आपने बैकवर्ड जब प्रोड्यूस किया है तो ये देखिए ये इस यहाँ पे फोकस में आ गई और ये डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, कोई पार्टिकुलर इमेज नहीं मिल रही यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के केस में, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं, ये हट जाती हैं अपने रास्ते से इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है, रे आपकी पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, आपकी देखिए यहाँ पे ये रे आई है, कहाँ से आई है, प्रिंसिपल फोकस से पास होकर ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, इन केस ऑफ कनकेव मिरर। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में देखिए यहाँ पे ये आई है आपकी रे और ये पैरेलल टू, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस है, लेकिन आपने इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एमर्ज हो रही हैं रे इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर के केस में। नेक्स्ट आपका थर्ड में दिया गया है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। वो रे जो पास हो रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, ये देखिए यहाँ पे आई है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, और वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास हो रही है, फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के में से ही पास हो रही है इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन है। ठीक है, यही यहाँ यहीं से रे है, जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में, वो भी इसी साइड सेम पाथ से फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। या कोई इन दोनों डायग्राम में बताया गया है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे जो फॉल करती है मिरर के अलॉन्ग, वो नॉर्मल होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। नीचे आप रखना, याद रखना है, ये दिया है लाइट रेज कम बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। ये लाइट रेज जो हैं सेम रास्ते से वापस जा रही हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट रे हैं जो फॉल हो रही हैं मिरर पे अलॉन्ग द नॉर्मल पे, वो किस नॉर्मल हैं, वो किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट आपका रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स ए पॉइंट पी। अगर आपकी रे कहाँ पे आ रही है, सीधे पॉइंट पी, यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल पे कनकेव मिरर के केस में, आर कन्वेक्स मिरर के केस में इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, वो भी रिफ्लेक्ट होगी। ये है कि यहाँ पे आ रही है और यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे दोनों केस में, कन्वेक्स और कनकेव के किरण, दोनों केसेस में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो कर रही हैं। कौन सा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दोनों केसेस में ये दिया गया है, मेकिंग इक्वल एंगल, दोनों इक्वल एंगल बना रही हैं किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। रिमेंबर, ये चीज़ याद रखिए कि जितने भी अब वो केसेस किए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी में फॉलो होगा। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इन हर एक केस में आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती हैं इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर।